आज भारत देश के संविधान के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में संविधान दिवस मनाया जा रहा है। इसी बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विपक्ष के नेता राहुल गांधी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला दोनों सदनों के नेताओं के साथ भारत के संविधान को अपनाने के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में संविधान सदन के सेंट्रल हॉल पहुंचे हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया। इस अवसर पर सरकार द्वारा एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया गया। सरकार ने नागरिकों को इंटरैक्टिव गतिविधियों और संसाधनों के माध्यम से संविधान की विरासत से जुड़ने में सक्षम बनाने के लिए एक नई वेबसाइट कॉन्स्टिट्यूशन 75 बनाई है और कहा कि देश भर के स्कूलों, शहरों और गांवों में इसकी प्रस्तावना का सामूहिक वाचन किया जाएगा। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, मदर ऑफ डेमोक्रेसी। कई शताब्दियों की गुलामी के बाद जब देश नई शुरुआत के लिए खड़ा था तो उसकी राह में पथ प्रदर्शक बना हमारा संविधान। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में जब देश ने अपना संविधान तैयार किया तो भारत के लोकतंत्र को मजबूत बनाने और सबके लिए बराबरी और अवसर सुनिश्चित करने का आधार बना भारत का संविधान।